गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी हैव लर्न्ड हाउ वी कैन डिवाइड अ सब्जेक्ट इन डिफरेंट पार्ट्स। हेयर इन दिस टेबल वी हैव डिवाइडेड सब्जेक्ट इन फोर पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज डिटरमाइनर, नेक्स्ट इट कैन बी अ नाउन, एडजेक्टिव और एन एडजेक्टिव फ्रेज। टुडेज टॉपिक इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद द डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट ऑल्सो। Let us start. Sometimes we have seen the subject is starting with it or their words. Means, बेटा अगर कई बार हमने देखा है कि जो subject है हमारा वो किसी noun या pronoun से start ना होकर it started it or their words. Then how we will divide it in different parts? Subject and predicate. Then the easiest way is that you will separate the word it or their. Means beta ki aap it word ko aur their word ko aap alag se nikal lenge. Uske baad if there is any helping verb, iske saath koi helping verb lagi hai या फिर कोई मेन वर्ब लगी है जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है, देन यू विल डिवाइड द पार्ट इन प्रेडिकेट। लेट अस सी द एग्जाम्पल। आई एम टेकिंग द फर्स्ट एग्जाम्पल। लेट अस सी बेटा, द फुल सेंटेंस इज इट इज मिडनाइट। नाउ वी विल सेपरेट द वर्ड इट। हमने इट वर्ड को सेपरेट कर लिया। इट विल बी योर सब्जेक्ट, इट विल बी योर सब्जेक्ट। लास्ट जो रिमेनिंग पार्ट है बेटा, इट विल गो इन टू द प्रेडिकेट पोर्शन। राइट, देयर आर सम एग्जाम्पल्स लाइक दिस। द सेकेंड एग्जाम्पल इज इट वॉज गेटिंग डार्क। यू विल डिवाइड इट वर्ड इन सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट पार्ट विल गो इन टू द प्रेडिकेट वॉज गेटिंग डार्क। लाइक दिस बेटा, द वर्ड सब्जेक्ट इज हेयर देयर। There are 50 girls in the room. Then their word will be counted as a subject. Means beta, jo their word hai, if we separate this word from the full sentence, then it will go into the subject. Means their word ko agar hum separate karenge, to it will go into the subject. Or and jo remaining part hai iska, wo kya ban jayega hamara predicate. There is subject. And are 50 girls in the room? It will be our predicate, right? तो इस तरह से बेटा, we have learned how we will divide the subject in different parts. We have done this table, बेटा. Mark this table. You have to do this table. Next way of division of subject is if our subject is starting with word two. With word two. देखिए बेटा. If we have used two word in beginning and we have used the first form of verb, we have used the first form of verb, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा? Infinitive. It will be counted as an infinitive. Means अगर हमने two word हमने लगाया है और उसके बाद हमने verb की first form use किया है, verb की कौन सी form? फर्स्ट फॉर्म। यस बेटा, इट इज़ कंपल्सरी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद वो हम जो पोर्शन है वो हम किस में इंक्लूड करेंगे? इन्फिनिटिव में। एंड द रिमेनिंग पार्ट विल गो इन टू द प्रेडिकेट। राइट, नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं है, समटाइम्स ऐसा नहीं होता, देन वट विल वी डू? लेट अस सी। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव सीन, here we have used first form of verb plus ing, then it will be counted as a gerund. इसको हम क्या count करेंगे? Gerund। और ये भी किस में include होगा? Subject में। और जो remaining part है वो हमारा किस में जाएगा? Predicate। Right? अब यहाँ देखिए बेटा, दूसरा जो example है आपके पास, telling lies। Okay? Telling lies means we have used the first form of verb प्लस आई एन जी, देन इट विल बी काउंटेड एज ए जीरेंड ऑल्सो। राइट, और इसके साथ जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो भी हम काउंट करेंगे, बिकॉज predicate, रिमेंबर दिस पॉइंट, predicate स्टार्टेड फ्रॉम द वर्ड हेल्पिंग वर्ब
और विद अ मेन वर्ब। हेयर जो लाइज वर्ड है बेटा वो एक्स्ट्रा वर्ड है, इसी तरह से नीचे वाले एग्जाम्पल में लेस वर्ड जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड है, तो इसको हम किस में काउंट करेंगे, सब्जेक्ट में, राइट। अब यहाँ पर क्या है हमारा, इज अ हेल्पिंग वर्ब, देन इट विल गो इन टू द प्रेडिकेट, राइट। इस हमने बेटा ये टेबल देखी है, इसके साथ साथ इफ वी टेक द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द गिवन टॉपिक, देयर आर सर्टन एग्जाम्पल्स गिवन इन द लास्ट पेज ऑफ, लास्ट पोर्शन ऑफ पेज नंबर 6। देखिए बेटा ये एक एक्सरसाइज है आपके पास, एफ पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द एफ पार्ट, राइट। दिस पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब यहाँ देखिए बेटा, देयर आर सर्टन एग्जाम्पल्स इन विच द वर्ड, इन विच द सब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ड टू, देन यू विल हैव टू फाइंड आउट कि विच वर्ड इज कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट एंड विच वर्ड इज कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ प्रेडिकेट, राइट। ये बेटा आपको करके देखना है, देन आई विल सेंड दीज आंसर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।